बेबीना मेकअप आर्टिस्ट। उमरकोसा शहर में पहली बार कोई मेकअप आर्टिस्ट ने एयरब्रश का इस्तेमाल करते हुए मेकअप किया है। आपको बताते चले कि यहाँ पर दुल्हन की मेहंदी से लेकर फेस मेकअप, हेयर स्टाइल, हर चीज आपको बिल्कुल रीजनेबल रेट्स में अवेलेबल मिलेगी। साथ साथ यहाँ पर बच्चों को कोचिंग भी दी जाती है। जी हाँ, हमारे उमरकोसा शहर में पहली बार इस तरीके से एयरब्रश का इस्तेमाल करके मेकअप किया जा रहा है, और वो भी बिल्कुल किफायती दाम में। मैं आपसे विनती करूंगा, एक बार यहाँ पर स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क करें और जरूर लाभ उठाएं। धन्यवाद। नमस्कार, आदाब दोस्तों, मुंबई एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। दोस्तों आइए चलते हैं आज की विशेष और बड़ी खबर पर। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की ओर से मुंबई के अंबेडकर चौक पर रखा गया था प्रोटेस्ट। जी हाँ दोस्तों, हाल ही में जो दो मुसलमान मौलानाओं को अरेस्ट किया गया है आसाम पुलिस द्वारा और यूपी एटीएस द्वारा, उसी सिलसिले में ये प्रोटेस्ट रखा गया था शांतिदापूर्ण से। परंतु प्रोटेस्ट के आखिर में मुंबई पुलिस ने मौके पर पहुंचकर प्रोटेस्ट को रुकाया, क्योंकि प्रोटेस्ट की परमिशन नहीं ली गई थी। क्या हुआ ये मामला, कैसे प्रोटेस्ट मुकम्मल तरीके से पूरा हुआ और क्या कहा मुंबई पुलिस के अफसरों ने इस मामले को लेकर, आइए जानते हैं आज की विशेष और खास खबर से। धन्यवाद। कलिंग सिद्धि की गोरिया करो, मुस्लिम धर्म गुरुओं पर जुल्म बंद करो, कलिंग सिद्धि की जिंदाबाद, शामिल हो जाइए आप सब लोग भी। जब जब तुल करेगा सत्ता के गलियारों से।
बीजेपी मुर्दाबाद 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 नहीं चलेगी नहीं चलेगी हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद जिंदाबाद जिंदाबाद हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद जिंदाबाद जिंदाबाद हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मुस्लिम सिख ईसाई कार्रवाई हो रही है चाहे वो आसाम में जो हो रही है। देखिए रफीक भाई, ऐसा है कि यूपी इलेक्शन नज़दीक है और ऐसे धार्मिक मामले ये लोग उछालते आ रहे हैं अभी इलेक्शन नज़दीक होने की वजह से, लेकिन हम देखेंगे डॉक्टर उमर गौतम हो, मुफ्ती जहांगीर हो और अब हाल ही में मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब, इनको जो है किस तरह से डिटेन किया गया, रात को उनको गायब कर दिया गया और फिर जब प्रेशर बनाया आम लोगों ने, आवाम ने और लोकल लोगों ने, तो फिर उनको ये है जो है वहाँ के पुलिस ऑफिसर का स्टेटमेंट आया और उन्होंने कहा कि जो है उनको हमने हिरासत में लिया है बोल के। बहुत सारे लोग उनके फेवर में भी आए जो नॉन मुस्लिम थे, अब मुस्लिम हो गए, लेकिन उनकी कोई बात सुनी नहीं जा रही है। एक दो लोग, चार लोग जो बोल रहे हैं, जिनको जो संघ परिवार का जो एजेंडा है उसके तहत उनको आगे करके उनके खिलाफ जो है एक प्रोपोगेंडा किया गया है, लेकिन हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं और अभी इंशाल्लाह इसको बड़े लेवल पर भी करेंगे। अगर हम लोगों को ये इत्मीनान नहीं होता है कि उनको जो है यूपी एटीएस के ज़रिए से और कोर्ट से उनको अगर इंसाफ नहीं मिलता है, तो हम इसको और बड़े लेवल पर इंशाल्लाह करेंगे। और इसके साथ साथ आसाम में जिस तरह से एक जेनोसाइड हुआ है, एक इविक्शन का जो प्रोसेस किया है इन्होंने और फायरिंग की है बाकायदा, तो उस फायरिंग के अंदर मुसलमान निहत्ते मुसलमानों को बेघर करके जो है मार दिया गया है। आप देखेंगे, आप भी पत्रकार हैं रफीक भाई, आपके साथ एक फोटोग्राफर है, उनकी एजेंडा और उनकी मेंटालिटी और सोच कैसी संघीय और आरएसएस की है कि एक पुलिस जब एक कुछ भी लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन होता है या कोई प्रॉब्लम होता है तो पुलिस फायरिंग कर रही है। पुलिस फायरिंग करने के बाद में पत्रकारों को इजाज़त होती है रफीक भाई कि वो आगे जाएं और अपनी कवर करें जो स्टोरी को, लेकिन एक पत्रकार, एक फोटोग्राफर, एक निहत्ते मुसलमान को कूद कूद कर लात घूसे से मार रहा है और वो मर जाता है, यानी उसकी आइडियोलॉजी क्या है आप समझ सकते हैं। ऐसे में ये देश इस वक्त कहाँ जा रहा है, ये हम सबको समझने की ज़रूरत है। और मैं आज इस चौक के जरिए से डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो हमको संविधान दिया है, उस संविधान के तहत हम पूरा इस्तेमाल करेंगे उस संविधान को, और संविधान को आगे रखते हुए इंशाल्लाह हम इसको लड़ाई लड़ते रहेंगे संविधान के जरिए से। और आज मुझे यकीन है कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर साहब अगर आज जिंदा होते तो वो रो रहे होते ये सब, इन लोगों की बीजेपी और आरएसएस की जो गुंडागर्दी चल रही है इसको देख कर वो बहुत निराश होते थे। विरोध करते पुलिस ने जो एक्शन जेनोसाइड किया है मुसलमानों का, आप देखिए उसके अंदर एक रिपोर्टर भी जो है, वो रिपोर्टर भी छलांग फोटोग्राफर के फोटोग्राफर वो उसको मार रहा है। मुर्दाबाद, ये जो मानसिकता है ये क्लियर कट है कि संघी मानसिकता है, इसका जो मुसलमानों को किसी भी तरीके से डरा के रखना, धमका के रखना। हम एक सवाल पूछते हैं ना कि सेकुलरिज्म का ठेका क्या मुसलमानों ने लेके रखा है क्या अकेले खाली, कि मुसलमान अगर कुछ कर रहे हैं तो उनके इसके अंदर इतना सेकुलरिज्म दिखाने, ढोंगीज्म करने आ जाते हमारे ऊपर कि भाई तुम सेकुलर होके दिखाओ। मैं पूछता हूँ ना, आज कहाँ है दूसरे लोग जो मुसलमानों पे हमेशा उंगली उठाते हैं कि मुसलमानों के अंदर सेकुलरिज्म नहीं है, तो हमने ही ठेका लिया है क्या? ये कंट्री सेकुलरिज्म के बेस पे बनी है, यहाँ पे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो कुछ भी है, जितने भी लोग हैं सबकी जिम्मेदारी है कि वो सेकुलरिज्म के ऊपर पूरी तरीके से पाबंदी करके दिखाए। अकेले मुसलमानों ने ठेका नहीं लिया इसका, हम लोगों को जब देखे हमारे धर्म गुरुओं को उठा रहे हो, क्या मैसेज दे रहे हो हमारे मुसलमानों के धर्म गुरु को उठा के मैसेज क्या देना चाह रहे हो? क्या आप लोग डरा के धमका के एक कम्युनिटी को नीचे दबाना चाहते हो? ऐसा है तो बाबा साहब के संविधान ने इस देश के अंदर जो हमको एक पूरा का पूरा राइट दिया है कि हर लोग अपने देश के, इस देश के अंदर पूरी तरीके से अपने धर्म पर चल सकते हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये कहीं ना कहीं हमारे उसके अंदर रुकावट डाली जा रही है कि हम अपने कल्चर को रिप्रेजेंट नहीं करें या हम डर जाए। अधिकारों का हनन किया जा रहा है, बिल्कुल पूरी तरीके से किया जा रहा है। दूसरा मेरा ये कहना है कि हम आसाम के अंदर जिस तरीके से हुआ, ये करने की पूरी पूरी प्लानिंग पूरे इंडिया के मुसलमानों के साथ है, जेनोसाइड करने का प्लान है। तो मैं समझता हूँ कि चाहे किसी की भी जान हो ना, हम एक कुत्ते की जान के ऊपर हमारा इतना बौखला जाता है पूरा देश,
कि कुत्ते के मरने की वजह पूरा ट्रेंडिंग चलता है, हाथी के पेट में बच्चे को मार दिया जाता है उसके वजह वो ट्रेंड चल जा रहा है, इसके बारे में क्या हो रहा है? तो मेरा ये सवाल है, मैं सवाल करना चाहता हूँ अपनी सरकार से कि आप यहाँ के मुसलमानों को आश्वासन दे कि हाँ बिल्कुल जो हुआ है गलत हुआ है और हम लोग इसकी कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे और कार्रवाई होनी चाहिए, खाली बातों तक सीमित नहीं रहना चाहिए, मेरा कहना है। ऑब्जेक्शन आपको नहीं होना चाहिए, हमारा राइट है सर, हम कुछ गलत कर रहे हैं तो आप बोलिए। मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरी बात आपको जो बोलना है बोलिए, कोई बात नहीं, आप आपको ऑपरेट कर रहे हैं, दो मिनट मेरी बात सुनो ना, आपको जो बात कर रहे हैं आप भी बात करिए, मैं भी बात कर रहा हूँ, मेरी दो मिनट बात सुनिए ना। हम मगरिब की नमाज पे खत्म करने का कॉल दिया हमने, कोई भी इधर आपको इशू हो रहा है तो आप हमको बोलिए, हम सारी चीजें 5-7 मिनट आप कोऑपरेट नहीं कर सकते सर, 5-7 मिनट क्या, हमने इंटीमेट दिया ना, परमिशन नहीं बोला ठीक है ना, लेकिन हम भी देखिए ऐसा नहीं है, हमारा राइट है ये, परमिशन आप बिना परमिशन का राइट है और परमिशन देना जरूरी है। जब तक हुआ हुआ, जब तक हम इधर ही बैठे हैं ना सर, आपको बोले गए 15-20 मिनट बोले गए, हो गया ना, ठीक है, ओके, तो आपका जो वो था हो गया। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, जब तक के लिए सुरक्षित रहे, सतर्क रहे, जय हिंद जय महाराष्ट्र। और कमेंट जरूर करें और शेयर करना ना भूले, और हमसे जुड़े रहने के लिए नीचे बेल आइकन दबाना ना।